भारत में एनसीसी 16 जुलाई 1948 को राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम के साथ बनाई गई थी। राष्ट्रीय कैडेट कोर एक त्रिसेवा संगठन है जिसमें सेना, नौसेना और एयरविंग शामिल है, जो देश के यूथ को अनुशासित और देशभक्त नागरिकों को संवारने में लगे हुए हैं। एनसीसी में कैडेट्स को शारीरिक प्रशिक्षण के साथ ही कई सारी शिक्षा प्रदान की जाती हैं, जैसे नेतृत्व की योग्यता, आत्मविश्वास, सम्मान की भावना, संचार कौशल और सबसे महत्वपूर्ण आर्म फोर्सेस के बारे में ज्ञान। जीवन के हर क्षेत्र में कार्य करने के लिए अनुशासन और आत्मनिर्भरता की आवश्यकता होती है। जम्मू कश्मीर की सेकंड एनसीसी बटालियन ने 14 नवंबर से नगरोटा में शिविर का आयोजन किया है। इसमें करीब 500 कैडेट्स भाग ले रहे हैं। इस कैंप का मुख्य उद्देश्य 2023 की गणतंत्र दिवस की परेड के लिए कैडेट्स चुनना है। ये कैंप 21 नवंबर को संपन्न होगा। आपका नाम? जय हिंद सर, मैं JKNL SDA 2050-0367 सीनियर अंडर ऑफिसर भानु प्रताप सिंह सर। मैं सर MMPG कॉलेज से हूँ और यहाँ पे ATC J9 कैंप अटेंड करने आया हूँ। इस ट्रेनिंग कैंप में हम काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है हर एक कैडेट्स को। यहाँ पे मतलब NCC का मोटो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन, एकता और अनुशासन। इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस के बच्चे आते हैं, डिफरेंट रीजन के बच्चे आते हैं, जम्मू के अलावा भी बच्चे आते हैं, तो वो सब एक साथ रहना, खाना पीना रहना, तो ड्रिल वगैरह सीखते हैं, शूटिंग करते हैं यहाँ पे। मतलब जो भी नॉर्मल एक आर्मी वाला पर्सन मतलब जो अपनी डेली लाइफ में करता है, वो हम इस कैंप में उन बच्चों को सिखाते हैं यहाँ पर। और इसी कैंप में एक RDC कैंप होता है, रिपब्लिक डे कैंप, वो सबसे प्रेस्टिजियस कैंप होता है अपने NCC का। यहाँ पे 17 डायरेक्टरेट्स हर एक स्टेट से कैडेट्स मतलब सिलेक्टेड होकर कैडेट्स आते हैं, और पीछे हम आज हमारे जम्मू डिवीजन का ही वही सिलेक्शन चल रही है आज। तो सर फैमिली मेम्बर्स तो प्राउड ही फील होगा सर, मैंने RDC 2022 लगाई है दिल्ली कैंप में, PM रैली में चला था। तो जब मतलब घर पे आते हैं तो मतलब सारे फैमिली मेम्बर्स से जो भी मतलब सोसाइटी होती है वो तो मतलब अच्छा ही बोलेगी, हाँ भाई आपके फैमिली में जो आपका लड़का है तो उसने यहाँ गया था, तो मतलब प्राउड फील करते हैं सर वो। आज की जनरेशन को कोई मैसेज देना चाहेंगे? सर मैं तो ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे NCC ज्वाइन करें, यहाँ पे डिसिप्लिन और यूनिटी सीखें। यहाँ से हम सीख के जाएंगे तो आगे जाके हमें काम आएगा। तो जो बाहर की जो मतलब बैड हैबिट्स हैं। आपका नाम? जैन सर, मेरा नाम जूनियर अंडर ऑफिसर सौरव शिब्बर है। मैं MM कॉलेज से हूँ और अभी मैं यहाँ पे ATC J9 कैंप अटेंड करने आया हूँ। जैसे कि आपको सबको पता है कि NCC का मोटो है एकता और अनुशासन, और आप देख सकते हैं कि काफ़ी जिलों के काफ़ी अलग अलग रीजन्स के बच्चे यहाँ पे एक साथ प्रैक्टिस करते हैं। सुबह PT होती है, सारे साथ में PT करते हैं। एक जोश मतलब घर से जैसे सिविल में जो जोश होता है उसे डबल ट्रिपल जोश इधर आके कैंप में आ जाता है, और बच्चे काफ़ी OLQs ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ काफ़ी ज़्यादा डेवलप होती हैं यहाँ पे। जैसे कि टाइम पे उठना, टाइम पे खाना खाना, गिने चुने बच्चे ही कैडेट्स ही आगे जाएंगे RDC के लिए। तो काफ़ी कॉम्पिटिशन देखने को मिल रहा है यहाँ पे। आया कॉलेज में NCC ली, पहले मेरी NCC नहीं थी, मुझे ड्रिल के बारे में नहीं पता था। इधर आके आर्मी के अंडर आके सब कुछ जानने को मिला, शूटिंग जानने को मिली, शूटिंग की हमने, शूटिंग में काफ़ी कैंप्स लगाए हैं, शूटिंग कैंप्स में सीनियर रहा मैं। और सर यही एक्सपीरियंस। फ्यूचर प्लान्स कुछ? सर फ्यूचर प्लान्स यही है सर कि NCC के काफ़ी फ़ायदे हैं, जैसे सी सर्टिफिकेट्स के फ़ायदे हैं, RDC के डायरेक्ट SSB में जा सकते हैं हम सर, और बस सर SSB में जाएंगे और सर देश की सेवा करेंगे सर। थैंक यू सर। मैं कर्नल RS जसरोटिया, कमांडिंग ऑफिसर 2 JNK बटालियन NCC, एंड ये हमारा यहाँ पे नगरोटा कैंपिंग ग्राउंड में ATC चल रहा है J9, जिसमें प्राइमरली हम लोग, आज हमारा तीसरा दिन है इस कैंप का, हम लोग बेसिकली यहाँ पे RDC का भी एट प्रेजेंट जो आप देख रहे हैं, RDC के लिए हम अपनी बटालियन की टीम सेलेक्ट कर रहे हैं। यही बटालियन की टीम के बच्चे फिर ग्रुप में सेलेक्ट होंगे और फिर आगे डायरेक्टरेट में सेलेक्ट होंगे। और जो एक RDC होता है, रिपब्लिक डे कैंप दिल्ली में लगता है, ये हर एक कैडेट का सपना होता है कि वहाँ जाके मैं राजपथ में मार्च करूँ, प्राइम मिनिस्टर साहब को गार्ड ऑफ ऑनर दूँ, और बाकी वेरियस इवेंट्स होते हैं, बेस्ट कैडेट, कल्चरल, NIAP, उसमें पार्टिसिपेट करूँ। तो आज जो अभी आप आए हैं यहाँ पे, तो इस टाइम ये गार्ड ऑफ ऑनर और राजपथ का हम लोग इनिशियल सिलेक्शन कर रहे हैं। हमारी सिलेक्शन के बाद ये लोग को ट्रेनिंग दी जाएगी 1 महीने के आसपास, एंड देन पूरी फाइनल टीम तैयार होकर दिल्ली जाएगी और वहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। सर आज की जनरेशन को कोई मैसेज देना चाहेंगे? आज की जनरेशन को यही मैसेज है कि खूब पढ़ें और खूब खेलें और पार्टिसिपेट करें इन सब एक्टिविटीज़ में, एंड NCC में ज़रूर ज्वाइन करें। ये आपको एक
बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है आपके लिए, आपके भविष्य के लिए, देश के भविष्य के लिए। तो मेरा यही मैसेज है,